गुड़गांव की इस चकाचौंध और चमक धमक के पीछे महफूज है कई कहानियां। कहानियां सालों के तजुर्बे की, चुनौतियों की, अनगिनत आशाओं की, हार की, इंतजार की और जिंदगी बदल देने वाले फैसलों की। इन्हीं में से एक दिलचस्प कहानी है शिवांग और गर्वित की। यह अनोखी गाथा एक मिसाल है कि जब सच्चे दोस्त साथ हों तो मुश्किलें आसान हो जाती हैं और सपने हकीकत। So we met in 2014. उस टाइम पे मैं यस बैंक में काम करता था। शिवांग यूज्ड टू वर्क विद नाइट फ्रैंक और यस बैंक नाइट फ्रैंक का टाइप होता था। दोनों एस्पायर्ड थे, दोनों के एक विजन थे कि हमको लाइफ में कुछ करना है। उस दिन शिवांग बोला कि भाई वी कैन स्टार्ट समथिंग वेयर इन वी कैन जनरेट लीड ऑनलाइन और खुद से ऐसा मॉडल बनाएंगे धीरे धीरे जहाँ हम कंपनी को वी कैन टेक टू द नेक्स्ट लेवल। वो दो ही वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे करेंगे, बट आई हैड द रियल एस्टेट सो आई हैव नो आईडिया कि कैसे काम करते हैं, बट ही हैड दैट फेथ यू नो कि नहीं इफ ही इज सेइंग देन देयर इज समथिंग बिहाइंड इट। मुझे पता था कि अगर इस जर्नी में मैं शायद अगर एक स्टेप लूंगा गर्वित साथ पर रहेगा तो शायद मैं आई कैन गो 100 स्टेप्स ओवर एंड अबव। चैलेंजेस भी थे एकदम से गेट एंटरिंग इनटू बिजनेस हैविंग अ गुड पैकेजेस, अब मैं कैसे अपना फैमिली रन करूंगा, सबकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है। He is the man behind, he said, भाई for one year, whatever savings I do have, I am putting in your account, आप बस छोड़ के आ जाओ and I will make sure कि we will turn around the things. It started with a office size of what? Office size of 400 square feet, which was a part of EWS building. That too was shared. So there was another office which used to run their deep cleaning company. तो वहाँ पे shared था, तो हमने एक table लिया था, table और chair. तो हम टेबल चेयर बैठते थे और अपोजिट साइड में वो जो क्लीन करने के सारे मशीन्स होते हैं वो रखे चारों तरफ 8-10 मशीन्स होते हैं। हमारी जो सबसे पहली जो एसेट थी कंपनी वो हमारा इन्वर्टर था, जो हमने आई थिंक ऑलमोस्ट एक महीने के बाद हमने इन्वर्टर लिया क्योंकि बहुत लाइट जाती थी। तो जो पहली ब्रोकरेज आई थी उसे इन्वर्टर लिया हमने, तो वहां से हमने जर्नी शुरू करी। हमारी कार्य ऐसी होती थी कि जब हम किसी कस्टमर को 5 या 10 करोड़ का प्रोजेक्ट बेचते जाते थे तो वी हैव टू पार्क आवर कार ऑलमोस्ट हाफ किलोमीटर अवे। इंडिका विस्टा वो भी होंडा अभी नीचे से आगे से होंडा सिटी दैट इज इन अ एक्सेप्शनली बैड शेप। अब आया टाइम कि क्लाइंट को ऑफिस आना है, भाई ऑफिस तो बुला नहीं सकते थे क्योंकि डीप क्लीनिंग की मशीन लगी थी, एक टेबल चेयर था और मैं और गर्वित। फिर हमने डिसाइड किया कि चलो यार नाउ टाइम हैज कम टू चेंज द ऑफिस। फिर हमने ऑफिस चेंज के चक्कर में हमने उस टाइम पे कोवर्किंग का बहुत ट्रेंड चल रहा था, कैफेज कोवर्किंग इन कैफेज। सो वी वेंट टू वन ऑफ द कैफेज बाय द नेम ऑफ नोवेयर। तो वहाँ पर 99 रुपीज में यू कैन सिट फॉर होल डे। बस मैंने गर्वित को देखा, गर्वित ने मुझे देखा, हमें बोला और क्या, ये हमारा नया ऑफिस है। तो हमने बस अगले महीने से अपना बेस चेंज कर लिया। नेक्स्ट टर्निंग फेज वॉज जब हमें लगा कि यार ये यहाँ हेल्थ और वेल्थ दोनों थोड़ा ज़्यादा जा रहा है, उसको कंट्रोल किया जाए। The next turning point came when we moved to Galaxy Hotel. Yes. वहाँ पे we took a proper office. And for us as the boosting side because अब हमारे पास एक अच्छा office था लोगों को दिखाने के लिए, बिठाने के लिए, बातें करने के लिए। तो 3 साल हमें लगे। Yes. From starting of the thought, business शुरू करने से लेके 3 साल लगे मैं अपना office लेने में। तब हमारे पास actually में कुछ 20 लोगों की team थी। हाँ। So I know Garvit and Shivang since their investment banking days. After that, they started working in real estate. The best thing about them is their energy. They not only talk about business, but they have different humor level. You know, कुछ अलग तरीके से client से interact करते हैं वो. उनका हर client को handle करने का तरीका अलग है. Though they have a team of 150-200 people in their organization. But they give personal touch to every client of theirs. Apart from business, you know, हम सिर्फ business नहीं करते हैं साथ में, उनके साथ इतने साल business करके they are more than friends to us now. They are family, extended family कह सकते हैं उन्हें हम हमारी। There is a saying that dreams are the tiny seed from which the beautiful tomorrow grows. We always have a firm belief that yes, we would like to grow as an organization. हम कभी भी नहीं चाहते थे कि हम एक traditional broker concept पे काम करें। So we always having a customer centric approach. We involved a lot of technological aspect. We involved the latest versions like AI, AR, VR to make sure that they should have a comfort buying. They able to buy with a experiencing the real estate. So company vision is very clear. We want to be the top most preferred partner
for all real estate stakeholders through transparency, simplicity and choice. And aane wale 5 saal mein Infra Mantra as a company, we see ourselves, you know, marking our footprints in the top 10 Indian cities and also going worldwide. I would like to thank Navdeep ji and the team, for giving us a wonderful proposition. The kind of vision, the kind of values they carry in this industry, and the kind of professional team they have, you know, it's actually in sync with our proposition to our clients. And with this, we are able to fulfill our dreams along with them. So since we are on the syncing platform, we would like to wish Vitrant team a huge success, because हम एक ही नाव में सवार हैं और हमको लगता है कि वी हैव टू गो अ वेरी 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 लॉन्ग वे. सो फॉर ऑल द न्यू कमर्स हु आर विलिंग टू कम एंड स्टार्ट समथिंग इन रियल स्टेट इंडस्ट्री, द मैसेज इज वेरी क्लियर. पेशेंस एंड परसिवियरेंस. यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू वर्क हार्ड. देर इज नो शॉर्टकट. हर चीज में टाइम लगता है, टाइम लगेगा, पैसा तुरंत नहीं आएगा. आप मेहनत करते रहो, देन लक विल कम योर वे वन डे एंड यू विल सी सक्सेस. मेरा तो यही मानना है, arise, awake and do not stop till your goal is achieved.